श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं, जिस दिन से मैं वृंदावन छोड़कर मथुरा में आया हूँ, उस दिन से मेरे जाने के भ्रह में और आने के इंतजार में सभी गोपी ग्वाल सहित सभी ब्रजवासी व्याकुल हैं, क्षण प्रति क्षण परेशान तड़पते हैं। उद्धव जाते वक्त मुझसे उनने पूछा था कि आप कब आओगे, और मैंने बोला था कि मैं परसों आऊंगा। जिस माँ ने मुझे पाल पोस करके बड़ा किया, उस मैया से भी मैंने झूठ बोल दिया और मैया से कह दिया कि मैया मैं परसों आऊंगा। मेरी राह में इंतजार में सुबह से लेकर शाम तक सब ग्वाल बाल बैठे रहते हैं, देखते रहते हैं कन्हैया आ रहे होंगे, कन्हैया आ रहे होंगे। जब राह में अंधेरा हो जाता, जब कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ता, तो गोपी ग्वाल सब पहुंचते हैं मैया जसोदा से कहते हैं कि माँ कन्हैया आ जाओ ना आयो। उद्धव, मैंने मैया से भी झूठ बोल दिया था, बोला था कि मैं परसों आ जाऊंगा, और उद्धव अगर मैं सच बता देता, मैया से झूठ न बोलता, मैं अगर ये कह देता कि मैं नहीं आऊंगा, तो मैया प्राणों को छोड़ देती, मैया जिंदा नहीं बचती। किसी की प्राणों की रक्षा के लिए झूठ बोलना अपराध नहीं है। बापूजी लगातार बोल रहे हैं, जेल से एक नया अपडेट आता है कि मैं आ रहा हूं। हम सब साधकों को लगता है कि बापू इस महीने नहीं तो अगले महीने आएंगे, अब बापू आ जाएंगे, कि इसमें कुछ नया बदलाव हुआ है कि बापू आ रहे हैं, आ जाएंगे। विश्वास टूटता नहीं है। 9 वर्ष से भी ज्यादा हो गए, लेकिन हमारा सबका दृढ़ संकल्प और विश्वास इतना मजबूत है कि वो टूटता ही नहीं है।